आइए आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर 4 2013 का सम है जो बोले थे जरूर कीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट भी सम है तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इस बार क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा, आइए कोशिश करते हैं। इस बार ना हमको एक फ्यूचर वैल्यू दिया है कितना 1 लाख। बोला सर हम ना 1 लाख रुपया का गिफ्ट परचेज करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के लिए। हमने समय सीमा बोला सर 4 ईयर है, 4 साल है। बोला ठीक है। इंटरेस्ट रेट बोला सर 10%, मतलब कितना है 0.1, ये है इंटरेस्ट रेट। अब क्या हो रहा है केस्ट हो? बोला सर हर एक साल ना आपको इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा। हम लोग ठीक है भाई जमा कर देंगे तो क्या दिक्कत है उसमें। बोला लेकिन सर इस बार इंस्टॉलमेंट जो होगा ना हर एक साल जो पैसा जमा कीजिएगा एट द एंड नहीं होगा, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा। ये अंतर था भाई, बिगनिंग ऑफ द ईयर। सर बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब सर क्या होता है? बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है, बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब सर हाँ है ना, वो बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब जैसे कि मान के चलिए हम सपना देखे कब, 1/1/2001 को। क्या हम मेरा सपना था कि हमको 1 लाख रुपया 4 साल के बाद चाहिए, कब पता है बाबू? 31/12/2004 को चाहिए, ऐसा सपना है। उसके लिए हमको पैसा जमा करना पड़ेगा कितना, 4 इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट बिगनिंग लिखा, देखो बिगनिंग मतलब 1/1/2001 को पहला, दूसरा 1/1/2002 को, 1/1/2003 को और चौथा 1/1/2004 को। हम मान लिए कि 100 रुपया ही जमा किए, ठीक है। लेकिन ये पता करने के लिए हर एक साल कितना होगा, ये सारा खेला है प्रेजेंट वैल्यू का। किसका बाबू? प्रेजेंट वैल्यू का। तो सबसे पहले हमको 1 लाख रुपया को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पता है? प्रेजेंट वैल्यू में। तो हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। या तो आपको जो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। लास्ट टाइम में हम लोग निकाले थे कितना था इसका, था भाई 0.909, 0.826, 0.751, 0.7 क्या था 7683 ना ये था। तो हम बोले सर लोग कर लेते हैं ऐसे 6800 ये आ जाएगा। अब क्या है ये आने के बाद, इसके बाद हम लोग गए थे जब हमको पता चल गया ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इतना है तो हम लोग अब तो बहुत आसान है, अब आसानी से हम लिखेंगे कैश फ्लो या जो भी आउट पर एनम इनटू एनओटी फैक्टर। ऐसा सोचे थे ना, याद कीजिए ऐसा कुछ हुआ होगा ऐसा ही कुछ। मतलब ये देख भाई इसका जो ना फोर्थ ईयर का है 31/12/2004 का ये है 0.683 और ये हम कौन सा डेट लिखे, ये मतलब हम गलत लिख दिए, मतलब समझा रहे हैं भाई देख कुछ नहीं हुआ है। 31/12/2004 के अनुसार इतना है लेकिन हम लोग का ईएमआई का डेट कौन सा, ये तो यहाँ पर कोई दूसरा होगा। क्या क्या होगा डेट? तो हम लोग का डेट होगा 31/12/2003 मतलब तो सेम ही है, मतलब सेम है ना, ये बिगनिंग करके सब गंडगोल कर दिया। मतलब सर तो यहाँ पर कितना होगा भाई जब बता, जिस दिन सपना देखें अगर उसी दिन जमा कर दे तो ये तो खुद में ही एक प्रेजेंट वैल्यू है। जिस दिन सपना देखे उसी दिन जमा कर दिए, मतलब ये तो वही रहेगा। उस क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा था इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड से लिए थे, 1 साल के बाद से शुरू किए थे। ये चेंज होता हो जाता है कब, जब बिगनिंग दिया रहता है तब। अब क्या करना है? कुछ नहीं भाई, लोन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। कैश फ्लो पर एनम एक्स इंटू एनुटी फैक्टर कितना होगा? इस बार अलग होगा क्योंकि इस बार इन चारों को जोड़ा जाएगा, यही अंतर है जब एंड दे देता है और यहां पर बिगनिंग दे देता है। तो कितना आएगा?
19593 ये आएगा। मतलब हमको हर एक साल 4 साल तक इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, तब हम लोगों को 4 साल के बाद कितना मिलेगा, 1 लाख। आशा करते हैं आपको ये बिगनिंग और एंड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ भी सॉल्यूशंस दिया है, ये लोग थोड़ा अपने तरीके से किया है, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, वो थोड़ा डिफरेंस आता है आंसर में, लेकिन ये कोई भी तरीका आप लोग फॉलो कीजिए, हम लोग आंसर सेम आने वाला है। दूसरा बात, लास्ट क्लास याद होगा हम लोग ये सब शुरू करके ना फिर बोले थे बाद में करेंगे, क्योंकि इसका आंसर गलत था। ये जो अभी करा है ना उसी टाइप का ये सम है, उसी टाइप का है। अब घर पे एक बार कोशिश कीजिए, इसमें बोल रहा है भाई कि हमको अभी कितना रुपया डिपॉजिट करेंगे अभी तुरंत हर एक साल, मतलब इस साल का स्टार्टिंग से देखिए बोला है बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, झमेला यहाँ से करेगा, हर एक साल कितना मिलेगा 50,000 करके, मतलब अभी जैसे किए ना बिगनिंग वाला वही कहानी यहाँ पर होगा। आप लोग घर पर एक बार कोशिश कीजिए, जरूर सॉल्व हो पाएगा। इसका आंसर ये आएगा बाबू, ये आएगा, हाँ ये रॉन्ग आंसर है। आइए आज के क्लास का एक आखिरी सम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9। कौन से साल में आया था, 2016। का है ना महाराज, ठीक है आइए 2016 का क्या लिखा है, एंड ऑफ द ईयर ऐसा है, एंड ऑफ द ईयर ध्यान से अमाउंट ये दिया हुआ है, मतलब सर कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवल बाय मिस्टर चिको इफ ही वांट्स द होल अमाउंट एट द एंड ऑफ द फोर ईयर, मतलब सर हमको फोर्थ ईयर के एंड में ना सारा का सारा पैसा चाहिए। ध्यान से सुनो बाबू, बोला ना हमको ऐसे पैसा नहीं चाहिए, हमको सारा एक ही साथ सारा का सारा पैसा कब चाहिए, फोर्थ ईयर के एंड में, ठीक। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% महंगाई से बड़ा। इतने और क्वेश्चन है क्या, नहीं और नहीं है भाई, इतना ही है सिर्फ। अब कैसे करें, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमने, कोई बात नहीं भाई, हमने तो क्या करना चाहता है, बोला भाई सुन ईयर पाँच टो है, 1, 2, 3, 4, 5 हमने, हाँ 5 टो है, तो बोला ध्यान से सुनो मेरा बात, देख ये जो कैश इनफ्लो है ना, कैश इनफ्लो पहला साल मेरे को पैसा मिल रहा है 15,000, हम लोग अच्छा बात है भाई, ये तो बहुत सबका सौभाग्य थोड़ी ना होता है। दूसरा साल 20, तीसरा 32, चौथा 20, फिफ्थ ईयर कितना 18, ऐसा है। ओ बोला सारा पैसा हमको एक साथ ना इस साल चाहिए, इस साल। अब बोला ये एंड ऑफ द ईयर है, आपको याद होगा क्वेश्चंस में, बोला हमको फोर्थ ईयर में चाहिए, मतलब हमको 15,000 उस साल नहीं, ऐसे नहीं, हमको ये पांचों पैसा मिला के हमको इस साल चाहिए। तो हम बोले भाई अगर ऐसा बात है तो ध्यान से सुन मेरा बात, मैच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, कब, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर में। देखो ध्यान से, इसके लिए करना पड़ेगा हमको एक वर्किंग, सर वर्किंग क्या है, देख भाई वर्किंग क्या है, ये जो पैसा था ये हमको कब लेना है, अब अभी नहीं लेना है, फोर्थ ईयर के एंड में, ठीक है। मतलब अगर सपोज ये है 31/12/2001, ये है 31/12/2002, ये है 31/12/2003, ये है 31/12/2004, ठीक है, मतलब कितना साल बाद देना है, 1, 2, 3, तो बताओ भाई 15,000 मिलेगा कि उससे ज़्यादा। तो हम लोग का नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+i होल टू द पावर i। इसको तुम ना नीचे वर्किंग नहीं तो कर ले, हमको दिक्कत नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितना 15,000, 1+n कितना है इंटरेस्ट कितना था 10%, 0.1, n मतलब ये कितना साल भाई, 1
दो तीन, माथे पर तीन, कितना आएगा देख, कोशिश करो। ये आपका आएगा, आप लोग कैलकुलेट करें, 19,965, 19,965। इस साल क्या होगा सर, सिंपल सा लॉजिक है सर, 20,000। ये नहीं तो आप लोग वर्किंग करना पड़ेगा भाई, वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नीचे बनाइए। अगर मान लिया हाई मार्क्स में दिया तो खाली आप इतना दिखा के डायरेक्ट कर दीजिएगा तो चलेगा, अगर हाई मार्क्स में दिया तो। लेकिन ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा। ये 2 क्यों, क्योंकि देख भाई 1, 2, 2 साल ना, कितना होगा सर, 20,000 इंटू 1.1 इंटू इक्वल टू 1.21, कितना आया, 24,200, ज़्यादा मिलेगा। तीसरा देखते हैं भाई, 30,000, 0.1 इतना, ये तो भाई 1 का 1 ही रहेगा ना। अरे बता, इसी साल इसी साल मिलने का बात हो तो इसका वैल्यू तो उतना ही होगा जिस साल मिल रहा है। अगर नहीं फार्मूला से करेगा तो ले भाई फार्मूला से कर, कर फार्मूला से 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 0, और 0 का वैल्यू कितना था 1, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब जिसका होल टू द पावर 0 होता है उसका मतलब होता है 1। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका कैटेगरी चेंज हो गया इस बार, इसको देखो कैसे करने वाले हैं। देख फॉर्मूला ये था ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, फॉर्मूला ये था, ध्यान दीजिए एकदम, ये तो उल्टा जाएगा ना बाबू, ये तो उल्टा जाएगा, मतलब ये प्रेजेंट थोड़ी ना है, ये तो फ्यूचर वैल्यू है उल्टा, और हम इसको जल्दी लेना चाह रहे हैं, जल्दी मतलब इस बार तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ जाएगा होल टू द पावर 1। ठीक है, इसका मतलब 18,000 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.1, तो 18,000 को डिवाइड करना पड़ेगा भाई 1.1 से, 6, 4। अब हमको टोटल कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ द 4 ईयर में, जोड़ लो 19,965 प्लस 24,200 कितना आया, 113,529, 113,519 ये आ रहा है हम लोगों का आंसर। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको आप करने में सक्षम होंगे। अच्छा देख लेते हैं एक बार फिर से, हाँ चेक कर कर, 99,365, रुक जा भाई रुक जा बाबू एक मिनट। अच्छा यहाँ गलती हो गया था हमसे, यहाँ ना मल्टीप्लाई करने में गलती किए थे, 9 to 0.1 हमको लगा 35,200, मतलब कितना हो गया 2,200, ये हो गया 1,15,729। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग सोच रहा होगा ना सर ये हम लोग का आंसर आएगा बाबू, कुछ लोग सोच रहा होगा कि ये हम लोगों का आंसर ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है, हम लोग का आंसर आएगा, आंसर ये गलत है, 115,729 ये आंसर आना चाहिए, राइटर रॉन्ग सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास जरूर मिलेंगे आपके साथ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ना सारा का सारा आप सीट का सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास मेरा लास्ट क्लास होगा, उस दिन हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद न्यू चैप्टर में चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।